हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी टेक में। और दोस्तों, जो आज आपके लिए वीडियो लाया हूँ वो है कैमरा के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपको इस वीडियो में कैमरा के बारे में कुछ टिप्स दूंगा कि आप किस तरह से बेस्ट कैमरा वाले फ़ोन लें। तो दोस्तों, बेसिकली अगर आप बात करें कि मेगा पिक्सल और क्वाड पिक्सल, दोस्तों आज के टाइम में जैसे कि पहले मेगा पिक्सल होता था 13 मेगा पिक्सल, तो दोस्तों अभी कुछ स्मार्टफोन्स में क्वाड पिक्सल भी देखने को मिला है। जैसे कि आपको शाओमी का एक स्मार्टफोन था, उसमें आपको क्वाड पिक्सल भी देखने को मिला। दोस्तों, जो शाओमी ने क्वाड पिक्सल इस मतलब की चीज़ को अपनाया, उसने मतलब कि एक पिक्सल को ही 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। दोस्तों, जिस तरह से पिक्सल डिवाइड हो गए, उस तरह से जो स्मार्टफोन्स है वो अपने आप में एक काफ़ी अच्छी चीज़ बन गए, जो इमेज को काफ़ी अच्छे से जो कैप्चर कर सकते थे। जैसे कि दोस्तों, आपको 12 मेगापिक्सल कैमरा में ही आपको 48 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन देखने को मिलता था। जैसे कि दोस्तों, आपको एक 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, उसमें ही आप 48 मेगापिक्सल तक की इमेज कैप्चर कर सकते थे। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम ये आई कि ऑप्टिमाइजेशन, दोस्तों कैमरा ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत ही बड़ी चीज़ है आपको कैमरा हर एक स्मार्टफोन में कैमरा को परफेक्ट रखने के लिए। दोस्तों, अगर आप ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो उसमें ऑप्टिमाइजेशन कई स्मार्टफोन में अच्छे से नहीं हो पा रही थी, जिस कारण कि उसमें कई टाइप के इश्यूज देखने को मिल रहे थे। तो दोस्तों, इस टाइप के इश्यूज को दूर करने के लिए अगर मतलब कि स्मार्टफोन्स कुछ काम करे तो एक परफेक्ट स्मार्टफोन के रूप में आपको स्मार्टफोन देखने को मिलता है। दोस्तों, दूसरी बात यह है प्रोसेसर। दोस्तों, अगर आपका स्मार्टफोन में जो चीज़ है, अगर आपकी इमेज अच्छे से प्रोसेस कर सके आपका प्रोसेसर, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। दोस्तों, आप अगर मान लो आप कुछ इमेज खींच रहे हो, अगर वो अच्छे से कैप्चर हो सके और अच्छे से मतलब कि प्रोसेस हो सके, तो आपको एक इतनी अच्छी इमेज देखने को मिल सकती है जो कि आपको बड़े बड़े कैमरा में देखने को नहीं मिल सकती। दोस्तों, मान लो कि आपके पास 13 मेगापिक्सल का कैमरा है और 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। दोस्तों, अगर आपका 13 मेगापिक्सल का कैमरा अच्छे से मतलब कि ऑप्टिमाइज नहीं है, उसके फंक्शंस अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं है, तो आपका जो कैमरा है वो अच्छे से काम नहीं कर सकता। दोस्तों, 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, उससे आगे निकल सकता है। अगर 8 मेगापिक्सल का कैमरा अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है तो दोस्तों काफ़ी आगे निकल सकता है। तो दोस्तों, इसलिए हमेशा नंबर्स के ऊपर मत जाना, हमेशा मतलब कि अपने जो कैमरा है उसके ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर जाना, उसके रिव्यूज़ पहले सुन लेना। टेक वीडियोस वगैरह में आपको ज़्यादा इजी हो सकता है एक स्मार्टफोन कैमरा वाला लेने के लिए। दोस्तों, आजकल के स्मार्टफोन्स भले ही मतलब कि काफ़ी अच्छे निकले हैं, लेकिन फिर भी DSLR काफ़ी आगे है। लेकिन दोस्तों, आजकल के स्मार्टफोन पहले के मुकाबले काफ़ी आगे निकल चुके हैं, और दोस्तों आने वाले टाइम में जो कैमराज है स्मार्टफोन में वो और भी अच्छे निकल सकते हैं। दोस्तों, थर्ड बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों, फोकस एपर्चर। दोस्तों, आपके स्मार्टफोन में हमेशा ही मतलब कि अगर आप कोई अच्छा स्मार्टफोन ले तो उसमें आपको फोकस और अपर्चर देखने को मिल सके। दोस्तों, कई स्मार्टफोन में 2.0 अपर्चर होता है और कई स्मार्टफोन में 1.8 अपर्चर होता है। दोस्तों, अपर्चर जितना छोटा रहे उतना ही आपके स्मार्टफोन का कैमरा अच्छा होता है। अगर दोस्तों आपके स्मार्टफोन का अपर्चर काफ़ी कम हुआ तो आपकी जो इमेज होगी वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, यही कुछ स्टेप्स है जिससे कि आप अपने स्मार्टफोन की जो कैमरा है उसको अच्छे से मतलब कि ले सके कि आपके जो स्मार्टफोन है उसको इजीली मतलब कि अच्छी इमेज खींचने वाला कैमरा ले सके। तो दोस्तों, मार्केट में काफ़ी स्मार्टफोन्स है जैसे कि वीवो, ओप्पो और मतलब कि आपका वन प्लस है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद भी आपके वहाँ अगर रियर कैमरा की बात करें तो गूगल पिक्सल की लाइनअप के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, जो गूगल पिक्सल के कैमरा है वो अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है, हर एक जो चीज़ है उसमें काफ़ी इजीली आप खींच सकते हैं और आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा उससे। दोस्तों, अगर आप बात करें जैसे कि आईफोन, दोस्तों आईफोन जो लेटेस्ट आईफोन है उसमें इतने अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं है जो रियर कैमरा है। तो दोस्तों, इसलिए वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर आप आईफोन की ओर जाए कैमरा के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे मेरे चैनल बीटेक,
मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।